फास्टेक न्यूज आपनी साथे हूँ छु आरती नजर करीशुं समाचारों पर। राजधानी दिल्ली में बे दिवस अगाउ हवानुं प्रदूषण स्तर थोड़ू ओछुं थयुं हतुं अने वरसादने कारणे हवामान में पलटो आव्यो होवानी आशा शनिवारे तूटी गई हती। प्रतिबंध होवा छतां राजधानी दिल्ली में शनिवारे नाने दिवाळीना दिवसे घणा लोकोए फटाकड़ा फोड्या हता, जेने कारणे हवानी गुणवत्तानुं स्तर फरी गंभीर श्रेणीमां पहोंच्युं हतुं। राजधानीना केटलाक विस्तारोमां हवा गुणवत्ता सूचकांक 220 ने वटावी गयो हतो। हायर क्वालिटी इंडेक्सने कारणे लोकोने श्वास लेवामां पण तकलीफ लागी रही छे। सरकारे शाळाओ बंध करी वाहनों पर प्रतिबंध लगाव्यो हतो, तो ते दरमियान अचानक वरसादना कारणे तेमां सुधारो थयो हतो। पूर्व जेरुसलेम सहित पेलेस्टाइनी क्षेत्र में इजरायली वसाहतनो मुद्दो संयुक्त राष्ट्र में पहुंच्यो हतो अने त्यां इजरायले भारत सहित देशों झाटको आप्यो छे, तेमज गैरकायदे वसाहतों विरोध कर्यो छे अने वसाहतना विरोधनो प्रस्ताव मंजूर थयो छे। संयुक्त राष्ट्र में लवायेला आ प्रस्तावनो शीर्षक पूर्व जेरुसलेम अने कब्जा हेठना सीरियन गोलान सहित कब्जा हेठना पेलेस्टाइनी क्षेत्रों में इजरायली वसाहतो हतो। आ प्रस्ताव ने मंजूरी मळवी अने मोटी संख्या में मतदान थवू इजरायल माटे मोटो आंचको मनाई रह्यो छे। मध्यप्रदेश विधानसभा चूंटणी माटे भाजपे चूंटणी ढंढेरो जाहेरात करी दीधो छे। पार्टीए तेने संकल्पपत्र नाम आप्युं हतुं। राज्यनी प्रजाने भाजपे तेमां अनेक वायदाओ कर्या छे। छोकरीओने ग्रेज्युएशन सुधी मफत अभ्यास सहित 20 वायदा तेमां शामिल कराया छे। सत्तारूढ़ पार्टीए घऊंनी खरीद 2700 रूपिया अने धाननी खरीदी 3100 रूपिया प्रति क्विंटल करवानो वायदो कर्यो हतो। चूंटणीपत्र जाहेर करता भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए कह्युं कि राज्यनुं बजेट 14 गणुं वधी गयुं छे। कुल राज्य स्थानिक उत्पादन 19 गणुं वध्युं छे। अमे प्रदर्शननी राजनीति माटे प्रतिबद्ध छे। अखिलेश यादवे पत्रकारों साथे वात करता कह्युं हतुं कि जो केन्द्रमां इंडिया गठबंधननी सरकार बनशे तो सौथी पहेला अग्निवीर योजना बंद करवामां आवशे। उत्तर प्रदेशना पूर्व मुख्यमंत्री अने समाजवादी पार्टीना वडा अखिलेश यादवे शनिवारे पत्रकारों साथे वात करता आ मोटो दावो कर्यो हतो। आ दरमियान अखिलेश यादवे डिमोनेटाइजेशन स्कीम एटले के नोटबंदीने लईने भाजप सरकार पर आकरा प्रहारो कर्या हता। तेमणे आरोप लगाव्यो कि रूपया 15 लाख करोड़ना कोर्पोरेट फ्रॉडनी भरपाई करवा माटे नोटबंदी लावामां आवी हती। तृणमूल कांग्रेस टीएमसीना सांसद महुआ मोइत्रा हाल केस फॉर क्वेरी आरोपों सामनो करी रहा छे। तेओ फरी एक वार सोशियल मीडिया पर लोकसभानी एथिक्स कमिटी साथे असहमति व्यक्त करी छे, जेने लईने आरोपीनी तपास करी रहेली समितिए पोतानो रिपोर्ट स्पीकर ने सौंपी दीधो छे। महत्वनुं छे कि आ कार्टून मोइत्रा ने खाली खुर्सी पासे बैठेला बतावामां आव्या छे। मोइत्राए शुक्रवारे तेमना एक्स एकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट कर्यो, जेमां लख्युं हतुं कि ज्यां सुधी तमे बीजी बाजु न होव त्यां सुधी नैतिकता जाळवी राखो, त्यारे आ वातने एथिक्स कमिटी पर सीधो हुमलो तरीके जोवामां आवी रह्यो छे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसदमां लांच लेवा अने प्रश्नो पूछवा मुद्दे विवादमां छे, त्यारे हवे तेमना सांसद पद पण गुमावानो भय सर्जायो छे। संसदनी एथिक्स कमिटीए समग्र मुद्दे तपास रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरलाने मोकली आप्यो छे, तो फरी एक वार भाजप सांसद निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रानुं नाम लीधा विना तेमना पर हुमलो करी टुकड़े टुकड़े गैंगनो उल्लेख कर्यो हतो। निशिकांत दुबे ट्वीट करी लख्यू कि भारतनी बंधारणीय संस्थाओ पर हुमलो देशनी टुकड़े टुकड़े गैंग माटे एक फेशन बनी गई छे। पीएम मोदीए हैदराबादमां जनसभाने संबोधित करी त्यां एक युवती लाइटना टावर पर चढ़ी गई हती। आ दरमियान वडाप्रधाने तेने नीचे उतरवा अपील करी हती, तेनी वात सांभळवानी खातरी आपी हती। पीएम मोदीनी हैदराबादनी सभामां बे अलग दृश्यो पण जोवा मळ्या हता। सभामां एक स्थळे शोर्ट सर्किटनी आशंका हती, त्यारे पीएम मोदीए लोकोने सावचेत कर्या हता। ते दरमियान अन्य एक दृश्य एवुं पण बन्युं कि सभामां एक युवती लाइटना टावर पर चढ़ी गई हती, जे बाद पीएम मोदीए तेने नीचे उतरवा अपील करी हती। मध्यप्रदेश विधानसभा चूंटणीने लईने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे आजे मध्यप्रदेशना प्रवासे हता, ज्यां तेमणे एक जनसभाने संबोधित करता तेमणे कांग्रेस पर निशान साध्युं हतुं। गृहमंत्रीए कह्युं कि आ कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी छे, अहीं गांधी परिवारनुं चाले छे, निर्दोषो कमलनाथजीना चाले छे अने कोई भूल थाय तो झापट दिग्विजयसिंहने लगावी दे छे। आ कपड़ाफाड़ राजनीति मध्यप्रदेशनुं भलुं न करी शके।
राजस्थान विधानसभा चूंटणी पहला पक्षपलटाने मौसम पूर बहार में खेली होय तेवुं जोवा मळी रह्युं छे। विधानसभा चूंटणी पहला कांग्रेस ने मोटो झटको लाग्यो छे। कांग्रेसना नेता अने पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा अने पूर्व धारासभ्य अशोक तनवर सहित घणा नेताओ भाजपमां जोडाई गया छे। भाजपना सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौरनी हाजरीमां पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा अने पूर्व धारासभ्य अशोक तनवर भाजपमां जोडाया छे। आ उपरांत कांग्रेसना अन्य नेताओ पण भाजपमां जोडाया हता। छत्तीसगढ़ बीजा तबक्का मतदान आगामी 17 नवम्बर थवा जई रह्यु छे, परंतु ते पहला ज राज्यना राजकारण में आक्षेप प्रत्याक्षेपों दौर चाली रह्यो छे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेले फरी एक बार भाजप पर प्रहारों कर्या छे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेलनु कहेवु छे कि भाजप राजभवन द्वारा ज बधु नियंत्रित करवा मांगे छे अने आ लोकशाही माटे घातक छे। बघेले वडाप्रधान मोदी की छत्तीसगढ़ मुलाकात पर निशान साधु हतु। तेमणे कह्युं कि छत्तीसगढ़ चूंटणी में भाजप मात्र केन्द्र नेतृत्व बतावी रह्युं छे, राज्यनुं नेतृत्व संपूर्णपणे अपन छे। राउस एवन्यू कोर्टनी परवानगी बाद पोलीस दिल्लीना पूर्व नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तेमनी बीमार पत्नी ने मळवा माटे लावी छे। सिसोदिया तेमनी बीमार पत्नी ने ते जग्यामां मळी रह्या छे जे हवे सत्तावार रीते दिल्लीना मंत्री आतिशीने फाड़वामां आवी छे। आ जग्या तेमनी अगाउ फाड़वामां आवी हती, परंतु कोर्टे सिसोदिया ने सवारे 10 थी सांजे 6 वागे सुधी मळवानी मंजूरी आपी छे। तो सिसोदियाए कस्टडीमां 5 दिवस सुधी तेनी बीमार पत्नी ने मळवानी परवानगी मांगती अरजी दाखल करी हती। स्पेशल जज एमके नागपाले सिसोदिया ने अरजी पर सुनावणी करी हती। दिल्लीवासियों ने एक दिवस की राहत बाद फरी एक वक्त प्रदूषण नो सामनो करवो पड्यो छे। गुरुवारे रात्रे पड़ेला वरसाद बाद दिल्ली में शुक्रवारे प्रदूषण स्तर 400 थी घटीने 100 नी अंदर पहुंच्यु हतु। जो कि बाद में फरी एक वक्त दिल्ली में प्रदूषण स्तर में चिंताजनक वधारो जोवा मळ्यो छे। शुक्रवारे प्रदूषण स्तर घटता तंत्रए ऑडिवन सिस्टम लागू करवानो निर्णय पण स्थगित करी दीधो हतो। जो कि फरी एक वक्त दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक स्थितिए पहुंच्यु छे। उत्तराखंडना बद्रीनाथमां हिमवर्षा चालू रहता बरफनी चादर छवाई गई छे। आ विस्तारमां नवेसरथी हिमवर्षाना कारणे तीव्र ठंडीनो अहेसास थयो हतो। तो आ अंगे माहिती आपता हवामान विभागे कह्युं छे કે પૂર્વીય મોજાને કારણે દક્ષિણ દ્વીપકલ્પ ભારતમાં 14 નવેમ્બરથી વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે। દિલ્હીમાં વરસાદ બાદ લોકોને ભારે પ્રદૂષણથી રાહત મળી શકે છે, ત્યારે દક્ષિણના રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। હવામાન વિભાગે માહિતી આપી છે કે આગામી 2 દિવસમાં જમ્મુ કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાં હિમવર્ષા સાથે ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે। समग्र विश्वना सरेराश तापमान में वधारो नोंधाई रह्यो छे, परंतु दुनिया मुकाबले भारत में गर्मी की असर झड़पथी वधी छे। एक रिपोर्ट मुजब दुनिया की तुलनाए भारत में तापमान 3 गणु वध्यु छे। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ने बात करता तमाम राज्यों में छेल्ला 12 महीना सौथी गरम रह्या। क्लाइमेट सेंट्रल नामनी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट में आ वात की जानकारी आपी छे। रिपोर्ट मुजब छेल्ला 12 महीना में विश्व की 570 करोड़ वस्ती ओछा में ओछा 30 दिवस सुधी सरेराशथी वधु तापमान में रहेवा माटे मजबूर बनी। भारत की 120 करोड़ वस्ती ने 30 दिवस ऊंचा तापमान में पसार करवा पड़ा था। रामली नगरी अयोध्या में रोशनी ना पर्व पर एक मोटो रेकॉर्ड बनाव्यो छे। समग्र अयोध्या में अंदाजे 25 लाख दीवा प्रगटावीने एक रेकॉर्ड सर्जवामां आव्यो छे। आ दरमियान मात्र राम की पौड़ी 51 घाट पर 21 लाख दीवा प्रगटावामां आव्या छे। दिवाळी नो मुख्य कार्यक्रम राम की पौड़ी खाते योजाशे, जेमां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ अने तेमनी केबिनेटना केटलाक मंत्रीओ उपस्थित रह्या हता। सूर्यास्त बाद राम की पौड़ी संकुलमां 21 लाख दीवा प्रगटावामां आव्या हता, ज्यारे अयोध्याना बाकीना मठो, मंदिरो अने अन्य स्थळो सहित लगभग 25 लाख दीवा प्रगटावामां आव्या छे। तेलंगाणामां विधानसभा चूंटणीनो प्रचार करवा पीएम मोदी सिकंदराबाद पहोंच्या हता, ज्यां तेओए अनुसूचित जातिना सौथी मोटा घटकमानमां एक मदिका समुदायनी रेलीमां कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या हता। पीएम मोदीए कह्युं कि बीआरएस दलित विरोधी छे अने कांग्रेस पण दलित विरोधी छे। बीआरएसे नवा बंधारणनी मांग करीने बाबा साहेबनुं अपमान कर्युं अने कांग्रेसनो इतिहास पण एवो ज छे। कांग्रेसने कारणे ज बाबा साहेबने दायकाओ सुधी भारत रत्न आपवामां आव्यो न हतो। બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર શનિવારે લખનૌમાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને મળ્યા હતા। બંને સેલિબ્રિટી વચ્ચેની સૌજન્ય મુલાકાતનો એક વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે। આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને ભેટ પણ આપી હતી। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને તસવીર આપીને સન્માનિત કર્યા હતા।
अभिनेता धर्मेन्द्र आ दिवसों में एक फिल्म 21 ना शूटिंग माटे लखनऊ पहुंचा छे। अहीं ते आगामी 10 दिवस राजधानी लखनऊ में रोकाशे अने तेनी फिल्म 21 नुं शूटिंग करशे। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लईने मोटा समाचार सामे आव्या छे। पार्टी नो युवा चेहरो निखिल सवाणीए राजीनामुं आपी दीधुं छे। निखिल सवाणीए पोते राजीनामानी जाहेरात करी छे। राजीनामा में प्रदेश अध्यक्ष यशुदान गढ़वी ने संबोधीने लख्यू छे कि तेओ आम आदमी पार्टीना तमाम पद अने होद्दा परथी राजीनामुं आपी रह्या छे। निखिल सवाणी आम आदमी पार्टी में जोड़ाया पहला कांग्रेस में हता ते यूथ कांग्रेसना उपप्रमुख हता। निखिल सवाणी ने कांग्रेसना नेताओं पर पक्षपातनो आरोप लगाव्या बाद यूथ कांग्रेसमांथी सस्पेंड करवामां आव्या हता। जे बाद जुलाई 2021 में निखिल सवाणी यशुदान गढ़वीनी हाजरी में आम आदमी पार्टी में जोड़ाया हता। अमदावाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अजीब प्रकार की घटना सर्जाई है। दुबई थी दाण चोरी करीने सोनू लई आवेला एक व्यक्ति पास थी एटीएस ना अधिकारी तरीके ओळख आपी तीन लोगों अपहरण करी सोनू पड़ावी लीधु हतु। जो कि आ समग्र बनाव ने पगले जाण थता एटीएसे तपास शुरू करी छे। तो तपास में मुंबई कनेक्शन होवानो चौंकावनारो खुलासो थयो हतो। पोलीसे चार आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। सूरत रेलवे स्टेशन ने मुसाफरों की भीड़ वच्चे धक्का मुक्की और अराजकता कारण केटलाक लोग बेभान थया छे। ट्रेन में चढ़वा माटे मुसाफरों की पड़ापड़ी जोवा मळी हती और धक्का मुक्की में चार लोग बेभान थया हता। जेमा रेलवे पोलीसे एक बेभान व्यक्ति ने सीपीआर पण आप्यु हतु अने 108 एम्ब्युलेंस में मार्फते नवी सिविल होस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। सूरत में रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों की भीड़ में धक्का मुक्की में एक व्यक्ति नु मौत थयु छे अने केन्द्रीय रेलवे राज्य प्रधान दर्शना जरदोस स्मीमेर होस्पिटल पहुंचा हता। मृतकना भाई अने इजाग्रस्त महिला साथे मुलाकात करी तेमज समग्र घटना अंगे ताग पण मेळव्यो हतो। तेओ इजाग्रस्तो पासेथी समग्र घटना अंगे पण माहिती मेळवी हती। सूरत रेलवे स्टेशन पर बनेली घटना बाद रेलवे पुलिस हरकत में आई है। स्टेशन पर आता मुसाफरो की कन्फर्म टिकट चेक कर बाद प्रवेश आप निर्णय ले आ सीवाय जो मुसाफरो पास प्लेटफॉर्म टिकट हे तम मुसाफरो ने प्रवेश आप शुरूआत कर महत्व है कि सूरत रेलवे स्टेशन पर ताप्ती गंगा ट्रेन में चढ़ती वक्त मुसाफरो वच्चे थे धक्का मुक्की और अफरातफरी कारण त्रण थी चार लोग बेभान थी ढड़ी पड़ा था। सूरत रेलवे स्टेशन पर बनेली घटना बाद गृहमंत्री हरसंघवीए रेलवे अधिकारी कलेक्टर सूरत सीपी सहित अधिकारी साथ बैठक बोलावी है। जमा के अधिकारी ने घटना अंगे सूचना करी है। महत्व है कि रेलवे स्टेशन पर बनेली घटना बाद हरसंघवीए स्तर की मुलाकात लईने परिस्थिति ताग मेळव्यो। सूरत रेलवे स्टेशन पर बनेली घटना मामले गृह राज्यमंत्री हरसंघवी निवेदन सामे आव्युं छे। तेओए जणाव्युं कि घटना बाबते योग्य तपास करवामां आवशे। दिवाळीना कारणे जनरल टिकट में जवावाळानी भीड़ वधी जता आ घटना बनी छे। वधुमां जणाव्युं कि रेलवे पोलीस ने अगत्यनी सूचना पण आपवामां आवी छे। आवनारा दिवसों में रेलवे स्टेशन और ट्रेननी अंदर पण योग्य व्यवस्था करवामां आवशे। आ घटना ने पगले हाल 200 जेटला वधारा जवानों ने बोलावामां आव्या छे। सूरत में रेलवे स्टेशन पर थयेला युवक ना मृत्यु अंगे कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए सरकार पर प्रहार कर्या हता अने कह्युं कि रेलवे तंत्र ना अणघड़ आयोजन ना कारणे सूरत में एक व्यक्ति जीव गुमाव्यो छे। रेलवे तंत्र द्वारा वधारा डब्बा जोड़वामां ना आव्या एटले आवी घटना बनी। तंत्र सुधरतुं नथी तेना कारणे आवी घटनाओ बने छे। दिवाळीना तहेवारनी शुरुआत थई गई छे त्यारे दिवाळीमां मेडिकल इमरजेंसी केसोमां वधारो जोवा मळ्यो होय छे। जेने लईने सिविल होस्पिटल तंत्र एक्शन मोडमां जोवा मळी रह्युं छे। सिविल होस्पिटलमां ट्रोमा सेंटर 24 कलाक कार्यरत रहेशे। सिविल होस्पिटलमां दिवाळीना दिवसे दाजवाना केस अकस्मातना केस एलर्जीक लोकोना केसमां वधारो थई शके छे त्यारे तेने लईने सिविल होस्पिटल तंत्र सज्ज थयुं छे अने जरूरी स्टाफ स्टेन्ड बाय राखवामां आव्यो छे। भावनगर में सफाई कामदार मृत्यु मामले वाल्मीकि समाज आगे 900 थी वधु सफाई कर्मचारी होस्पिटल खाते पहुंचा था। महत्व है कि शुक्रवार बपोरे सेंट्रल सॉल्ट की प्रेमासिस में महानगरपालिका कायमी और आउटसिंग कर्मचारी सफाई करने पहुंचा था। जहां ड्रेनेज चेम्बर में सफाई माटे उतरता गुंगड़ामण कारण बे लोग अंदर ज फसाया था। गुजरात में सफाई कर्मियों मौत अंगे कांग्रेसे प्रवक्ता हिरेन बैंकरे भाजप सरकार पर आकरा प्रहार कर्या हता। तेमणे जणाव्युं के भावनगर में गुजराती घरे दीपक उलवाई गयो छे। आ घटना केन्द्र सरकार की संस्था सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च सेंटर में बनी छे कि जेमां गटरनी साफ सफाई करता बे सफाई कर्मियों मृत्यु थया हता।
गुजरात में युवानों माटे सारा समाचार सामे आव्या छे। गुजरात में विविध जग्या माटे भर्तीनी जाहेरात करवामां आवी छे। मळती माहिती मुजब गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा 1200 वधु पोस्टनी भर्ती बहार पाडवामां आवी छे, जेमां थेरापिस्ट, वर्क आसिस्टंट, टेक्निशियन, तांत्रिक मददनीस, ग्राफिक डिझाइनर, मशीन ओवरशियर, वायरमेन, जुनियर प्रोसेस आसिस्टंट, सर्वेयर, सीनियर सर्वेयर, प्लानिंग आसिस्टंटनी भर्ती थशे। तो सर्वेयर बाद वर्क आसिस्टंटनी सौथी वधु 574 पोस्टनी भर्ती थशे।